वीओए न्यूज मिनट के साथ मैं हूं आयशा तंजीम। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हिफाजत इस्लाम नामी गिरोह के मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में कम से कम 15 लोग हलाक और 60 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। इंडिया और चीन ने लद्दाख में मुतनाज़ सरहदी इलाके से अपनी फौजें वापस बुलानी शुरू कर दी हैं। गुज़श्ता माह इस खबर के बाद कि चीन की फौजियों ने इंडियन इलाके में पेशकदमी की है, दोनों मुल्कों के फौजियों ने आमने सामने कैंप लगा लिए थे। शाम का कहना है कि इसराइल की तरफ से उसके इलाकों में फिजाई हमले ऐलान जंग के मुतरादिफ हैं और उनका जवाब दिया जा सकता है। रूस, चीन और अक़वामे मुत्तहिदा ने इन हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी से बनाई गई दुनिया की पहली पिस्तौल का अमरीकी रियासत टेक्सास में कामयाब टेस्ट किया गया है। 3D प्रिंटर किसी भी चीज़ का 3D मॉडल बनाने की सलाहियत रखता है। आप देख रहे थे वीओए न्यूज़ मिनट। मज़ीद खबरों के लिए देखिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com।